90 दशक की अलका याग्निक को कौन नहीं जानता। अलका ने 14 साल की उम्र में म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 2000 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं और 16 भाषाओं में गाने गा सकती हैं। अलका अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में बेहद कामयाब रही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इस कामयाबी के पीछे कहीं ना कहीं बहुत सा सेक्रीफाइस भी किया है। दिग्गज गायिका अलका याग्निक ने हिंदी सिनेमा का वो दौर देखा है जब आइटम नंबर्स की बजाय खूबसूरत लिरिक्स से सजे गानों को तवज्जो दी जाती थी। लोग भी ऐसे ही गानों को सुनना पसंद करते थे। प्यार की झनकार और मेरे अंगने में जैसे गानों से अपने करियर की शुरुआत करने वाली अलका ने हिंदी सिनेमा को बेहिसाब सुपरहिट गाने दिए हैं। अलका ने साल 1989 में शिलोंग के बिजनेसमैन नीरज कपूर से शादी की थी, लेकिन दोनों 27 साल से अधिक समय तक एक दूसरे से दूर रहे। आपको बता दें कि नीरज का बिजनेस शिलोंग में था और अलका को सपनों की नगरी मुंबई में रहकर काम करना होता था, लिहाजा दोनों के लिए एक दूसरे से दूर रहना एक मजबूरी सी बन गई। लेकिन फिर भी हजारों चुनौतियों के सामने होने के बाद भी दोनों का रिश्ता प्यार से आगे बढ़ा। नीरज मौके बेमौके पर मुंबई आया जाया करते थे। अलका ने मीडिया को बताया कि नीरज ने मुंबई में बिजनेस करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका यहाँ काफ़ी पैसा डूब गया था। फिर मैंने ही उनको बड़े शहर शिलोंग में बिजनेस करने की सलाह दी थी। स्पेशल डेस्क नवदीप टुडे दिल्ली।